गुरु पूर्णिमा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज गुरु पूर्णिमा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम आपको गुरु पूर्णिमा की ये पावन कथा सुनाएंगे। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा के साथ साथ अपने गुरुजनों का भी सम्मान एवं सेवा की जाती है। कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा करने के साथ साथ श्रद्धा पूर्वक उपहार भी दिए जाते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिंदुओं के प्रथम गुरु वेद व्यास जी की ये पावन कथा। पावन कथा सुनाते हैं, वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब मुनि पराशर नौका से नदी पार करना चाह रहे थे, तो मछुआरे की कन्या सत्यवती को देखकर उनके मन में काम जागृत हो गया और मुनि पराशर ने सत्यवती से प्रणय निवेदन किया। तो सत्यवती कहने लगी, हे मुनिवर, ये अनैतिक है। किंतु मुनि पराशर कहने लगे, तुम्हें इस प्रणय से एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सत्यवती ने उनके सामने तीन शर्तें रख दी। पहली शर्त के अनुसार सत्यवती के तन से मछली की गंध आती थी, जिस कारण उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती कहने लगी, पहली शर्त ये है कि मेरे तन से आने वाली मछली की दुर्गंध पुष्पों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए, और दूसरा, इस पुत्र के जन्म के पश्चात भी मेरा कौमार्य भंग ना हो, और तीसरी शर्त ये कि अभी दिन का समय है, अतः हमें प्रणय करते कोई देख ना पाए। तब मुनि पराशर ने तथास्तु कह दिया। मुनि पराशर ने तथास्तु जैसे ही भक्त कहा, चमत्कार हुआ ऐसा, दिन में ही अंधकार हुआ। आज भी ऐसा होता है, जिसे कोहरा कहा जाता है। कहते हैं मुनि पराशर ही तो इसके प्रदाता है। सत्यवती के तन से जो दुर्गंध
कार्तिका वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, सत्यवती और मुनि पराशर के मिलन से समय अनुसार एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जो कि जन्म लेते ही किशोर अवस्था में पहुंच गया और जिसे माता सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन नाम दिया। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। ऋषि पराशर के वरदान स्वरूप सत्यवती का कौमार्य भी भंग नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, क्योंकि वेद व्यास जी मुनि पराशर की संतान थे, तो जन्म से ही उनके मन में भक्ति भावना थी। वो अपनी माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने को वन में चले गए और उन्हें वचन दे गए कि जब भी माता सत्यवती उन्हें याद करेंगी, वो उपस्थित हो जाएंगे। राजा शांतनु एक दिन नदी के तट पर टहल रहे, से नैना है राजन के चार हुए। उसके तन से जो पुष्पों की सुगंध आ रही है, राजा शांतनु को वो ही तो मोहित कर गई है। सत्यवती के पिता के पास में राजन आते हैं, बोले विवाह हम तेरी पुत्री से करना चाहते हैं। उसके पिता ठुकराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सत्यवती के पिता का प्रस्ताव राजा शांतनु ने ठुकरा दिया, क्योंकि राजा शांतनु को गंगा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी और राज्य का उत्तराधिकारी सदैव बड़ा पुत्र ही होता है। जब भीष्म को इस बात का पता चला, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली, जिसके कारण सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। पावन कथा सुनाते हैं, वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, इस प्रकार भीष्म ने पहले सत्यवती के पुत्र चित्रांगद को राजपाट सौंपा और उसके पश्चात विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। क्योंकि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो अब उन्हें विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता होने लगी, ताकि राजा शांतनु का वंश आगे बढ़ सके। उस समय काशी नरेश ने अपनी तीन कन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाया। भीष्म ने काशी जाकर स्वयंवर में आए सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। किंतु काशी राज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन और मन राजा साल्व के नाम कर चुकी है, अतः उसे राजा साल्व के पास भेज दिया जाए। भीष्म ने अम्बा का निवेदन स्वीकार कर लिया और उसे राजा साल्व के पास भेज दिया। किंतु राजा साल्व ने अपहृत युवती को अपनाने से इनकार कर दिया, जिससे निराश होकर अम्बा वन में तपस्या करने चली गई। खातिर ना कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सत्यवती के दोनों ही पुत्र जब अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई। वेदव्यास को याद करते ही अपने वचनानुसार वो तत्काल ही अपनी माता के सामने उपस्थित हो गए। तब सत्यवती ने वेदव्यास जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे दोनों भाई बिना संतान उत्पन्न किए ही स्वर्गवासी हो गए और भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली है। अब हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के रूप में तुम ही बचे हो। विचित्र वीर्य की दोनों रानियों से तुम्हें संतान की उत्पत्ति करनी होगी, ये मेरी आज्ञा है। वेदव्यास जी अपनी माता सत्यवती की आज्ञा को भला कैसे टाल सकते थे।
भक्तजनों, क्योंकि वेद व्यास जी से घबराकर अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उन्हें नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई। वहीं अंबालिका भी वेद व्यास जी को देख कर घबरा गई और उनका शरीर पीला पड़ गया। फलस्वरूप अंबालिका से रोगग्रस्त पुत्र पांडु उत्पन्न हुए, किंतु दासी बड़ी ही निर्भय थी, अतः दासी को वेद व्यास जी से विदुर उत्पन्न हुए। माता सत्यवती के कहने से वेद व्यास जी दोनों रानियों एवं दासी को उत्तराधिकार देकर फिर से तपस्या करने वन चले गए। जनों, कहते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी को मनाया जाता है। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने से पहले न सिर्फ गणेश जी का ध्यान किया, बल्कि उन्हें इस बात के लिए भी मना लिया कि मैं बताता जाऊंगा और तुम लिखते जाना। कहते हैं महाभारत की लेखनी श्री गणेश जी ने वेदव्यास जी के कहने पर ही की थी। प्रिय भक्तों, वेदव्यास जी को विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। इनका जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, तभी इनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इनका नाम सात चिरंजीवियों में भी आता है। जिसे प्रेम दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।